अरे हाँ अरे Am I audible, guys? Yes, sir. Good morning. Go through the last lecture notes, brother. If you have any doubts, any confusions, you please ask. Sir, bolo. Sir, the last one of question, but that one, explain it. क्या था बड़ा उसमें? Fourth one of question, kinetic energy. वो kinetic energy वाला. Kinetic energy वाला. क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से दूसरी स्लाइड में होगा, बट तुम इससे समझ सकते हो मेरे ख्याल से. काइनेटिक एनर्जी और उसमें शायद फाई से रिलेशन पूछा था ना. हाँ, तो इसमें आप देखो, ये काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट है, राइट? ये काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट है, और यहाँ तुम्हारा इसको 1/sin^4 5/2 लिख दिया, चलेगा? अब काइनेटिक एनर्जी तुमने बढ़ाई थी कि कम की थी? बढ़ाई थी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई थी. काइनेटिक एनर्जी अगर हमने बढ़ाई थी तो बिकॉज नंबर ऑफ सिंटिलेशंस तुमको फिक्स रखने हैं, राइट? बाकी सब कुछ चेंज नहीं करना है ना. तो 1/sin जो 2^4 5/2 है, वो कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए ना. ऐसे ही तो चलेंगे हम लोग कि भाई अगर मान लीजिए कि इट्स लाइक जेड इज इक्वल टू लिखा है एक्स इंटू वाई, ठीक है, और हमें जेड फिक्स रखना है और वाई की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो एक्स को ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना पड़ेगा, राइट ना? तो मेरे ख्याल से साइन इसमें काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हो तो साइन 5/2 जो है वो डिक्रीज करेगा. yes, sir. तो फाई डिक्रीज करेगा, यही निकाला था ना हमने शायद. yes, sir. तो क्या डाउट है? हो गया? yes, sir. चलो, इसको आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो. चलो, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना. इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे बताने मेरे ख्याल से. अगर आप देखो, अगर कोई एब्सेंट रहा होगा तो ये इसमें हम लोग नंबर ऑफ सिंटिलेशंस की बात कर रहे हैं. किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम लोग जो स्पैरकल मिल रहा है उसको चेक कर रहे हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है डिफ्लेक्शन एट एन एंगल फाई, तो वो क्या क्या कह रहे थे हम लोग बड़ा. एस प्रोपोर्शनल टू हमने दिखाया था 1/sin^4 5/2 या cosec^4 5/2, और सिंटिलेशंस हमने लिखा था थिकनेस के प्रोपोर्शनल, और हमने सिंटिलेशन दिखाया था जो एटॉमिक नंबर है यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस उसके प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ दैट जो नंबर ऑफ अल्फा सॉरी पॉजिटिव चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल उसके प्रोपोर्शनल दिखाया. फिर मास वेलोसिटी की बात कर रहा है तो इस प्रोपोर्शनल टू हमने ये लिखा था, है ना. ये सारा हमने इस तरह से कवर कर लिया था. तो मेरे ख्याल से इसमें
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा नया सा कॉन्सेप्ट है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली कर लोगे। तो अभी देखो, आप टेस्ट करो अपने आप को। चलो, इसके बारे में सोचो बेटा। इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स increases while keeping all other parameters constant, what would be the effect on number of alpha particles deflecting at an angle theta phi, kuch bhi likh de, kya hoga answer? to isme simple si cheez kya lagani hai beta, s hamara tha inversely proportional tha na, to bhai kinetic energy badhayenge तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ सिंटिलेशंस है वो कम हो गए। सब बड़े आसान से क्वेश्चन से, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेना है आपको। कॉपी कर लिया बड़ा क्वेश्चन? आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं बड़ा, थियरी ऑफ लाइट, जिसमें न जाने कितने सालों तक लोग लगे हुए थे और हम 3 घंटे में सब खत्म कर देंगे। कुछ कह रहे हो बेटा? यस सर, वो टूल थोड़ा ऊपर का। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? ये सब स्मार्ट बोर्ड के भी झंझट हैं। अब बताइए, रदरफोर्ड को ही निपटा दिया इन्होंने, मेरा नाम दिखा दिया, मेरे को ऊपर रख दिया। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, जब तक ये रेड पार्ट हटाऊंगा नहीं लिखा हुआ, तब तक वो रदरफोर्ड जी ऊपर नहीं आएंगे। डन चल, देखो हो पाएगा। Thank you.
Dan? चलो डिस्कशन कर लें। पद्मकांत बेटा कितना आंसर आया अप्रोक्सीमेट? 1.9617 × 10^12। वेरी गुड बेटा। देखो मैं आपको जैसे ये सब क्वेश्चंस आप देखो ना, जेई एडवांस को आप समझने की कोशिश करो। जेई एडवांस में देखो ना तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट आता है ना क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट होता है जैसा लोग अचानक से वहां पैनिक कर जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आया, अब सबने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ये देखा कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ गाइगर एंड मार्समैन, अब उनको यहीं से वो पैनिक हो गए, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है। नीचे के क्वेश्चन को देखोगे पूरा तो उससे कोई खास मतलब नहीं है। जेई में भी कुछ इसी स्टाइल से वो इस तरह से वर्ड्स लिखते हैं कि क्वेश्चन शुरू में ऐसा पैनिक कर जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सा नया सा कॉन्सेप्ट पूछ लिया, हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक है, तो मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ नया नया करके आपको पढ़ाऊ, सो दैट आप एग्जाम में जाके अचानक से पैनिक नहीं कर जाए। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि 1% जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर देन 50 डिग्री, और फिर कहता है वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट वुड डिफ्लेक्ट एट एंगल लेस देन 50 डिग्री। आप अगर मान लीजिए कि 1% जो है वो ग्रेटर देन 50 है, इसका मतलब है कि हमको फाइंड आउट करना है जो है 99% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, 99% अल्फा पार्टिकल्स हैं जो 50 डिग्री से कम पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, यही तो निकालना है बस। और कितने पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हुआ? 1 मोल। 1 मोल का मतलब उसने खुद ही आपको दे दिया 6.022 × 10^23। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 99/100। अब ये ऑलमोस्ट 100 ही है, आप समझ कर रखो, है ना। और इसका मतलब है पावर सीधे सीधे कितनी आ जाएगी, 10^23 ओनली। और ये कितना निकाला है बेटा तुमने पद्मकांत? 5.96 समथिंग है क्या? हाँ, तो बस कॉपी कर लो, बाकी लोग कॉपी कर ले बेटा। Thank you.
डन ना। चल अब चल ये टाइप के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सब कंफर्टेबल हो गए, अब कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन सेम उसमें थ्योरी सेम। अब देखो सामने क्या हेडिंग है, आप ये हेडिंग डाल लीजिए बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया गोल्ड फॉइल पे, तो मान लीजिए कि नॉट ओनली गोल्ड फॉइल, आप कोई भी मेटल फॉइल ले ले, कॉन्सेप्ट आपको सेम अप्लाई करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये एटम है ना, गोल्ड एटम या कोई दूसरा एटम आप कंसीडर करते हैं, ये न्यूक्लियस है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब तुमने अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ भेजा, सोचिए कि आप इंफिनिटी से भेज रहे हैं, क्योंकि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस एटम का उस पार्टिकल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है ना। इस एटम का, इस न्यूक्लियस का पार्टिकल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल नजदीक आएगा, अल्फा पार्टिकल नजदीक आएगा, बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नजदीक कैसे आएगा, नजदीक आएगा बिकॉज तुमने उसको एनर्जी दे रखी है, तुमने उसको भगा रखा है, तुमने उसको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, स्टार्टिंग में तुमने दे दिए उसको काइनेटिक एनर्जी, उसी काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक। अब बिकॉज जैसे ही ये इसकी फील्ड में आएगा, ये बिकॉज दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, न्यूक्लियस भी और अल्फा पार्टिकल, तो रिपल्शन शुरू होगा, राइट ना। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये नजदीक जाएगा रिपल्शन बढ़ता जाएगा। आपको घरेलू एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी चीज को, कोई स्टोन है उसको ऊपर की तरफ फेंका, राइट, तो हो क्या रहा है कि तुमने काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी पे। मेरी बात समझ में आई, और फॉर अ मोमेंट ये वहीं स्टॉप हुआ, फिर नीचे आया। इज माय पॉइंट क्लियर? ये ग्रेविटेशनल फील्ड में तुम करते हो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये पर बात करते हैं, तो मैं छोटी सी यहां पर डिस्कशन कर लूं, ये फिजिक्स का पार्ट है जो तुम पढ़ोगे आगे चल करके। कूलम्स लॉ कहते हैं इसको, या फिर कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दो चार्जेस Q1 Q2 डिस्टेंस यहां पर R ले लेते हैं, D ले लो, कोई भी ले लो, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो इनके बीच में फोर्स होगा, दैट फोर्स कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये दो अपोजिट चार्जेस हैं, है ना, पॉइंट चार्जेस, और फोर्स विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर ये दो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो गए, तो वो कह रहा है कि ये Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होंगे, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों को कंबाइन करके वो फाइनल आपको एक रिजल्ट देता है, बिकॉज हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी उसमें डाल देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K ले लो, कूलम्स कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 / R² इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं डिस्कशन करने जा रहे, हम बेसिकली इसको यूज करने वाले हैं, या फिजिक्स में पढ़ोगे तो इसको लेके परेशान नहीं होना है आपको। ये जो के है इसको, ये एक्चुअली में 1/4 πε0 होता है, क्या होता है बेटा,
1/4 pi epsilon naught। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अभी क्या है परमिटिविटी ये ज्यादा इसमें हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं है। समथिंग लाइक की एबिलिटी टू सस्टेन या एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा कुछ उसको बोल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है पूरी 1/4 pi epsilon naught की ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये है 9 × 10⁻¹। यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हो बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ रखा है, फोर्स न्यूटन होता है और ये जो डिस्टेंस है ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और Q1 Q2 दो चार्जेस हैं तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर 9 × 10⁻¹। ये किसका वैल्यू है के, इसकी वैल्यू जरूरी है क्योंकि आपको इसको यूज करना है यहाँ पर। अब ये तुम्हारा फोर्स है, अब होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दैट यहां पर इनके बीच में ये अगर हम इसको ऐसा सिस्टम मान लें तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाई आर, सेम वही के 9 × 10⁻¹। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, हाईलाइट कर लो बेटा मेन चीज, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा और ये फोर्स का फॉर्मूला होगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये छोटी सी फिजिक्स की नॉलेज जो हम यहां यूज करने वाले हैं टू फाइंड दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात थोड़ी बहुत समझ में आई बेटा? अब तुम वापस इसमें आ जाओ। तो ये जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एनी एटम, बिकॉज दिस अल्फा पार्टिकल हैज गॉट काइनेटिक एनर्जी। बट एज इट अप्रोचेस टू दैट न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द रिपल्शन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। लेकिन क्या बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे वो नजदीक जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब किसी मोमेंट पे जाकर के ये एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही वहां पर वो पहुंचा यानी इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। अगर सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो हम लोग लिख देंगे ना काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम इसके पास थी यानी जो हमने सप्लाई की थी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जब वो इस डिस्टेंस पे होगा, यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इससे ज्यादा नजदीक वो नहीं पहुंच पाएगा ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकालेंगे? वहां से के Q1 Q2 बाय, अब यहां पर R के बदले क्या लिख देंगे बेटा? D, Q1 Q2 बाय D। अभी हम छोड़ेंगे नहीं यहां पर इसको। अब तुमको पहले से कुछ नॉलेज है, क्या नॉलेज है बेटा? कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो अगर एटॉमिक नंबर हम जेड ले लें और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है +E 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा जेड ई। न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा? जेड ई। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने अल्फा पार्टिकल लिया है, याद रखना बेटा कोई दूसरा पार्टिकल भी दे सकता है, वो कोई ऐसा ही बनाकर पार्टिकल दे दिया तो हमें उसमें डील करना है। रट्टा नहीं मार लेना कि मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिया है तो आपने बस उसी को यूज करना शुरू कर दिया। आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूं ये सारी चीजें, जो भी वो चाहेगा वो आप यूज कर लेना उसके अकॉर्डिंगली और यहां पर उसके अकॉर्डिंगली रख देना, आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में ये जेड ही है और अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? यही तो है अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या लिखते हैं? ये होता है क्यू ऑफ अल्फा विल बी 2 times चार्ज ऑफ व्हाट? प्रोटॉन, राइट? तो हम लोग 2e लिख देंगे इसको। चलो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k टाइम्स
2E into ZE upon D. क्या बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. ये हो गया। और काइनेटिक एनर्जी को आप चाहो तो हाफ एम वी स्क्वायर, और ये मैक्स वाली है बिकॉज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करती रहेगी, तो जो मैक्सिमम आपने सप्लाई की है वो है। अब इसमें आप ये सब आप जैसे पता चल गया तो आप डी अगर निकालना होगा तो हम क्या लिख देंगे, डी इज इक्वल टू लिख देंगे के टाइम्स 2ZE² upon kinetic energy max. आप चाहो तो इसको मास और वेलोसिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन बेटा? सही है सब? हाँ, तो अब इसमें क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से मैं तो अभी दूंगा आपको। अब जैसे अचानक से उसमें पूछ लिया कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की है वो अगर हमने डबल कर दी तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या हो जाएगा बेटा, बताइए क्या हो जाएगा? 1/4 times degree. 4 times. 1/4 times. अरे काइनेटिक एनर्जी डबल की है भाई, वेलोसिटी नहीं। कभी वन बाई कभी कुछ। पद्मकांत तुम बोल रहे हो लगातार, वही मैं सोच रहा था कि पद्मकांत इतना गलत कैसे हो गया। चलो ये अच्छा, कॉपी करने से पहले एक नोट लिख लो बेटा, बोले क्या? देखिएगा, When an alpha particle is bombarded over a gold nucleus, bracket में लिख देना, or any other nucleus, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि when alpha particle approaches gold nucleus, दोनों टाइप में लिख लो, when alpha particle approaches gold nucleus or any other nucleus, it is repelled by the electrostatic repulsion. इसको कूलंबिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन डिस्टेंस द अल्फा पार्टिकल लूजेज ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल लूजेज ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड बिकम्स स्टेशनरी मोमेंटरली अब आप ये कॉपी कर लो एंड या इसके नीचे लिख देना, विद द हेल्प ऑफ बाय इक्वेटिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी कैन फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। स्टेटमेंट को फिनिश करने के लिए कि बाय इक्वेटिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी कैन फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
हो गया, हटा दें इसको। चलो टेस्ट करिए अपनी नॉलेज को। हो गया बेटा,
अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल कर ऑप्शन दिए हैं उसे मैच कराइए। सबसे पहले तो पावर मैच कराई जाती है ना। यूनिट्स का भी ध्यान रखना बेटा। पद्मकान बेटा हुआ सर, डी ऑप्शन आ गया। चलो तो डिस्कशन कर लेते हैं ना, बहुत सारा डिस्कशन करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो एक ही उसमें नहीं लग जाएंगे हम लोग। देखो कहता है बीम और स्पेसिफिक काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है एज स्कैटर्ड बाय गोल्ड न्यूक्लियस। अच्छा आप देखो इसमें उसने बदल दिया, जैसे मैंने बोला था ना आपको जरूरी नहीं कि वो अल्फा पार्टिकल दे, अब उसने कोई तो पार्टिकल बोल दिया है आपको, है ना, जिसकी वेलोसिटी आपको दी है। व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल, फिर से फोकस्ड हो जाइए बेटा। स्पेसिफिक चार्ज याद है मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, क्यू बाय एम को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, क्यू बाय एम को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नहीं समझ में आया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो आप वैसे तो यूनिट्स दी हुई है देखो यहाँ पर, है ना, इससे भी एक आइडिया लग जाता है आपको। ऑफ दिस पार्टिकल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये दिया हुआ है, ठीक। तो बस बहुत सिंपल है, ये आपका गोल्ड न्यूक्लियस है, चार्ज आपको मालूम है कि यहाँ पर जेड ई होता है और यहाँ पर वो पार्टिकल है अप्रोच करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और बस इक्वेट कर देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स, ये इस बार हम क्यू रख रहे हैं इसमें, सीधे सीधे क्यू हम डाल रहे हैं, और यहां पर इंटू कर देंगे 79 इंटू ई अपॉन, ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई डी। डी दिया हुआ है देखो यहाँ पर, है ना, वेलोसिटी दी हुई है आपको, बस ये क्यू बाय एम निकालना है, तो ये हो जाएगा क्यू बाय एम इज इक्वल टू हाफ, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर डी अपॉन, ये हो जाएगा के इंटू 79 इंटू ई, ठीक है। अब यहां पर रख दो वैल्यूज, 2.1 इंटू 10 रेस टू 7 इसका स्क्वायर कहता है, और जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो 2.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 14 कहता है, ठीक है, अपॉन 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 क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और इधर आता है 79 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19। चेक कर लो बेटा कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, सारा आपके पास अवेलेबल है, देख लो। सबसे पहला काम जो आपको करना होता है ना बड़ा, पावर्स को चेक करते हैं, है ना, थोड़ा सा पावर्स को, जैसे 79 लिखा है अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, इसको 80 कर दिया आपने, है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकालना है तो उसके हिसाब से 2.5 है, इसको 2.1 को 2 लिख दिया, कैंसिल कर दिया, है ना, इसको 8 कर दिया, 80 कर दिया, और इधर 9 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 20, वो जितना सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ऑप्शंस दिया है ना, कोई टेंशन भी नहीं है। तुम अगर पावर को देखोगे, पावर तो ये केवल दो का सेम है,
बाकी सब अलग ही बिल्कुल दिख रहा है, तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर पावर पॉजिटिव में आ रही है, तो देखो ना ये 14 कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब पावर जो है और नीचे 9 और ये -10 ये प्लस में आएगी, तो ये ऑप्शन तो आप इमीडिएट एलिमिनेट कर दोगे केवल पावर देख करके, राइट ना। और फिर अप्रोक्सीमेट आंसर इसका निकालोगे तो आप मैच कर जाएगा आपका ऑप्शन डी से, ठीक है। तो इस टाइम पे हम कोई बहुत कैलकुलेशन को लेकर के हम ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, हम कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस्ड है बेटा। जे एडवांस में जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन बहुत आसान आता है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी अप्रोक्सीमेट निकालना आपको आना चाहिए फटाफट। ये नहीं कि पैनिक कर गए इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें, सबसे पहले पावर्स को एक तरफ इकट्ठा करो और बाकी चीजें देख लो। चलो हटा दें, कॉपी कर रहे हो या हटा दें इसको? हो गया चल। तो हमने एक मेजर डिस्कशन फिनिश किया, चल। सो बिफोर वी मूव टू दैट थियरी ऑफ लाइट, देखो जो रदरफोर्ड मॉडल था वो फेल हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल जो इम्प्रूव्ड मॉडल था वो बोर्स थियरी था, बोर्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट उसके पहले हमें जरूरत है जो लाइट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट की, थियरी ऑफ लाइट की वो पढ़ेंगे। बट उससे पहले ये लिख लो कुछ एटॉमिक टर्म्स हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं, तो जैसे इसमें एटॉमिक नंबर पहले से मालूम है बट फिर भी इसको हर एक चीज यहाँ लिख लो। हर चीज का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं भले ही आपने उसको लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एटॉमिक नंबर सभी जानते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेंड इन द न्यूक्लियस। और एटम की बात होगी तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे। जब आप किसी आयन की बात करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं आयन्स में, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में वो वही रहने वाले हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं उनसे इक्वेट कर देते हैं। न्यूक्लियॉन्स देखो लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में उनको न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है। मास नंबर वही है समझ लो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। न्यूक्लियॉइड जो भी आप एटम्स पढ़ते हो उसको हम लोग न्यूक्लियॉइड बोल रहे हैं।
कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। हाँ चेंज कर दें। ये भी आप अवेयर होंगे बट फिर भी इसको भी कॉपी कर लो बेटा। जैसे कि लिखा हुआ है आइसोटोप्स पहले से जानते हैं हम लोग, फिर भी लिख कर रखिए एटम्स ऑफ द एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ये 1H1 कर लो। टाइपिंग एरर हुई, हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इसको हम लोग कई बार डी लिखते हैं और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से आइसोबार्स डिफाइन किया, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, एग्जांपल्स आपके सामने। फिर आइसोटोन्स में एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बेटा, ये 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, तो 14 माइनस 6 किया हमने, यहाँ पर फिर से 16 माइनस 8 किया हमने और यहाँ पर 15 माइनस 8 7 किया हमने, तो यहाँ पर आपके 8 8 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आ गए। तो अब इसको आइसोटोन्स बुला रहे हैं इन सबको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लो, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे पता करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे कि N2 आपने ले लिया है ना, कोई आयन तो है नहीं, इसमें 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और हर एक नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर आप लेकर चलते हैं 7 है प्लस 7 है, कितना हो गया यहाँ पर 14 हो गया। ठीक, CO को ले लो, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, बिकॉज ये कोई आयन तो है नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो एटॉमिक नंबर होगा सेम ही होगा, 6 ले लिया। इधर से ये कितना आया 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 14 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर CN माइनस है, इस बार थोड़ा सा केयरफुल रहना है, नेगेटिव चार्ज आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपके पास आ गया, आप CN हो, आपके ऊपर माइनस चार्ज, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। कार्बन आपको देता है 6,
नाइट्रोजन आपको देता है 7 और एक एक्स्ट्रा आया माइनस चार्ज की वजह से, इसीलिए यहां भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, CN माइनस में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चल अब इसमें देखो बेटा, पहला जैसे लिखा हुआ है आइसोस्टीयर्स करके लिखा हुआ है, आइसोस्टीयर्स मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे इसमें देखो N2, तो हम बोल सकते हैं ना दो एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 7+7 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बात करते हैं यहां पर भी दो एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8+6 कितना 14 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट एग्जांपल हो गया है ना। CO2 में 3 एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन से 6 आया, 6 प्लस इधर 8 प्लस 8 कितना हो गया बड़ा 20। सही है, इधर देखो 3 एटम्स, एटम्स मैच किए, अब आते हैं 7+7 और प्लस 8 कितना हुआ 22 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी मैच कर गया। अब इसी तरह से आप F2 और HCl के लिए चेक कर लीजिए, ठीक है। ये दूसरा टर्म देखो आइसोडायफोर्स कह रहा है, आइसोडायफोर्स क्या है, एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इसीलिए देखो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स उसने आपको लिखकर दे दिया n माइनस जेड, वो कहता सेम डिफरेंस होना चाहिए, सेम वैल्यू। अब ये a माइनस टू जेड क्या है बेटा, a क्या है, तो ए ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर बेसिकली है ना, और माइनस टू जेड आप समझ पा रहे हो बेटा, जेड एटॉमिक नंबर है
हाँ चलो नोट कर लो। देखो मैच कर रहा है इसमें। देखो मैच कर रहा है। देखो कॉपी कर लिया बेटा। चलो हटाते हैं इसको। अब आते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है अपने लिए। जैसे देखो यहाँ पर स्लाइड में मैंने लिख भी दिया है, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो बोर्स मॉडल हमारे लिए अभी मेन हो गया है, वहां तक पहुंचे कैसे उसकी बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है, थियरी ऑफ लाइट। अब आप सोचिए, इमेजिन करिए कि करीब आप मानकर चलिए कि 1700 है ना, 1700 1700 से लगभग शुरू हुआ। तो झगड़ा चल रहा था दो दो टाइप के लोगों के बीच में, दो तरह के जो साइंटिस्ट थे उनके बीच में झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा चल रहा था कैरेक्टर को लेकर के, किसके कैरेक्टर की बातचीत चल रही थी, लाइट के, है ना। ऑल्दो आज की डेट पे हमें काफी सब कुछ क्लियर है लगभग, बट उस टाइम पे सोचिए कितना बड़ा झगड़ा था। वो कह रहे हैं कि लाइट वेव है, दूसरे कह रहे हैं लाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर जाकर के आप मानिए कि 1900 यहां तक जब पहुंचे तो 200 साल आपको लग गए ये समझने में कि लाइट एक्चुअली में क्या है, ठीक है। और फिर जाकर के 1905 में आइंस्टाइन ने फिर प्रपोज किया था डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट, पार्टिकल एज वेल एज, यानी झगड़ा खत्म करने के लिए उन्होंने क्या कह दिया कि भाई ऐसा करो, तुम दोनों की बातें मान लेते, रजिस्टर कर लेते हैं, झगड़ा खत्म करो, दोनों कैरेक्टर्स दे दिए। नहीं तो पहले झगड़ा हो रहा था कि भाई लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है। अब इसको ऐसे घरेलू एग्जांपल में आपको देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है जिसमें एक बच्चा है चिंटू नाम का, जैसे मान लो कि अपना पद्मकांत, इसका घर का नाम चिंटू है। अब ये जो चिंटू,
ये जिस सोसाइटी में रहता है उसी सोसाइटी में दो और लोग रहते हैं, मिस्टर रामकुमार और मिस्टर श्याम कुमार, दो लोग रहते हैं और बहुत सारे और लोग रहते हैं, मतलब जिनको हमें पिक कर रहा है उनको हमने ले लिया, चिंटू, राम और श्याम। अब ये जो राम कुमार जी है ना, इनके एक शॉप है, बुक स्टोर है, बेसिकली बुक स्टोर है, किताबें बेचते हैं राम कुमार जी, किताबें बेचते हैं। और ये बुक स्टोर जो है ये स्कूल के बिल्डिंग के सामने है, ये स्कूल है, और स्कूल में पढ़ने कौन जाता है बेटा? चिंटू। तो चिंटू इनसे अक्सर मिलता है स्कूल बिल्डिंग के आसपास, इनके बुक स्टोर के आसपास। तो ऑफ कोर्स ये उससे पूछते रहते हैं, बेटा कैसी स्टडी चल रही है ना, तो मार्क्स कैसे आते हैं। तो भाई वो बताता है कि मैं क्लास का टॉपर हूँ, स्कूल का टॉपर हूँ, मेरी फर्स्ट रैंक आई, वगैरह वगैरह। तो इम्प्रेशन इन पे जो पड़ा मिस्टर राम कुमार पे, किसकी दुकान है बेटा ये, भूल नहीं जाना है, सब एक जैसे ही नाम है। तो राम कुमार जी को इम्प्रेशन ये लगा कि ये जो चिंटू बच्चा है, ये चिंटू जो है, ये चिंटू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, चिंटू पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो वो उसको बुलाने लगे, स्कॉलर, स्कॉलर बुलाने लगे, जहां भी दिखता। तो अब चिंटू के बदले वो उसको बुलाते, हे स्कॉलर इधर आ, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट की नजर से उसको देखने लगे कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। अब ये सब कहानी राम कुमार के दिमाग की है कि स्कॉलर है। इस चिंटू ने नहीं बोला कि मैं स्कॉलर हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये राम कुमार पे इंप्रेशन पड़ा क्योंकि उसकी जो रिजल्ट्स आ रहे थे, एकेडमिक रिजल्ट्स, उनको देख करके उन्होंने ये रियलाइज किया, उनको लगा कि ये स्कॉलर है। अब ये जो मिस्टर श्याम कुमार है ना, इनकी भी एक शॉप है, स्पोर्ट का सामान बेचते हैं बेटा, क्रिकेट का सामान, फुटबॉल का सामान। और इनकी जो शॉप है वो एक प्लेग्राउंड के सामने है, ठीक है। तो जब भी अक्सर खेलने जाता है चिंटू, फुटबॉल खेलने जाता था, ठीक है, चिंटू जो है फुटबॉल, और ये बिल्कुल इनकी प्लेग्राउंड के सामने है, तो काफी कुछ इनको दिखाई देता था। फिर जो जब वो जर्सी पहनकर बाहर निकलता था तो भी देखते थे, और उससे उसको खेलते हुए भी कई बार देखा, गोल्स मारते हुए देखा। तो इनमें क्या इम्प्रेशन बना कि भाई ये जो बच्चा चिंटू है ना, ये तो फुटबॉलर है। चिंटू को क्या उन्होंने बोलना शुरू किया बेटा, फुटबॉलर बुलाना शुरू किया। तो ये कौन थे जिन्होंने उसको फुटबॉलर बुलाना शुरू किया, मिस्टर श्याम कुमार। अब बताइए क्या चिंटू ने कभी इनसे कहा कि मैं फुटबॉलर हूं, नहीं, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे इन्होंने चिंटू को फुटबॉलर बुलाना शुरू किया। राम कुमार ने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे उन्होंने स्कॉलर बुलाना शुरू किया। अब ये जो राम कुमार श्याम कुमार है, ये बिल्डिंग तो सेम ही है इनकी, सेम ही जगह पे रहते हैं, ठीक है ना। अब सेम जगह रहते हैं ये, तो अक्सर जो शाम होती है ना तो ये लोग चाय की दुकान में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं भाई, रहते तो एक ही जगह सब लोग है ना, तो भाई चाय की दुकान है, वहां जाकर बैठे, और चाय की दुकान में बैठते हैं ये राम कुमार श्याम कुमार। चाय पीते हुए इन्होंने कई बार देखा किसको, चिंटू को। चिंटू इवनिंग वॉक के लिए बाहर जाता है। अब चिंटू इनसे कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये राम कुमार जो है उसको बुलाना शुरू कर देते हैं क्या, स्कॉलर। श्याम कुमार बुलाना शुरू कर देते हैं फुटबॉलर, और झगड़ा किसके बीच में चालू हो गया, राम कुमार और श्याम कुमार के बीच में। चिंटू स्माइल करता हुआ जा रहा है, बातचीत चिंटू के लिए हो रही, पद्मकांत बेटा हाँ देखना इधर, बातचीत जो है चिंटू के लिए हो रही, चिंटू से पूछा नहीं जा रहा है तुम कौन हो। ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे राम कुमार और श्याम कुमार ने
उनके नाम रख दिए, उसके नाम रख दिए स्कॉलर और फुटबॉलर। अब झगड़ा इन दोनों के बीच में है, तो बेसिकली ये जो चिंटू है इसके पास दोनों चीजें हैं, वो स्कॉलर भी है और वो फुटबॉलर भी है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों चीजें एक साथ एक ही टाइम पर ऑब्जर्व नहीं किया लोगों ने। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जो कि पॉसिबल नहीं, एक ही टाइम पे थोड़ी ना फुटबॉल ग्राउंड पे खेलने बैठ जाए, सॉरी फुटबॉल ग्राउंड पे वो पढ़ने बैठ जाएगा या क्लासरूम के अंदर फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा, पॉसिबल नहीं है। तो किस टाइम पर क्या करना है उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से उसको फुटबॉलर या स्कॉलर बोला गया। कुछ आप समझ लो जो थियरी ऑफ लाइट है ना वो कुछ इसी तरह से है। तो कुछ 1704 की बात, इसको हटा देते हैं बड़ा, 1704 की बात है, 1704 की बात है। न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट इज हैविंग पार्टिकल कैरेक्टर या लाइट इज पार्टिकल, ठीक है। और उसी टाइम पर और भी साइंटिस्ट थे जैसे क्रिस्टियन हुगेंस करके थे, वो वेव नेचर पे अड़े हुए थे। और जो बेसिस था ना इनके झगड़े का वो था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो आप देख सकते हो गिवन बाय लाइट। लाइट रिफ्रैक्शन भी शो कर रही है और लाइट रिफ्लेक्शन भी शो कर रही है। ये दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बेसिस थे दोनों जो वेव थियरी और पार्टिकल थियरी प्रपोज करने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, यही दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे मेन। फिर जाकर आगे चल करके जो है और दो या तीन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आए जिनके बेसिस पे जो वेव थियरी थी ना, वेव थियरी उसको कंसीडर किया गया बहुत टाइम तक। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जो पार्टिकल नेचर है, जो पार्टिकल नेचर है ये है कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट प्रपोज्ड बाय न्यूटन, 1704 में प्रपोज किया था। अब ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, एक बॉल लेकर के और आपने हिट किया वॉल पे, बाउंस बैक किया, ठीक है। एक ये एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो वॉल पे, आपने एक पर्टिकुलर एंगल पे बॉल को हिट किया, बॉल किसी एंगल पे वो बाउंस बैक किया, ठीक है ना। एक ये हो गया और इधर आते हैं देखो, ये जो सामने दिख रहा है ये डेफिनेशन मैंने दी है लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफ्लेक्शन के लिए मैंने क्या लिखा बेटा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो चीज या ये जो फिनोमेनन है वो पार्टिकल में बिल्कुल फिट बैठ रहा था, पर आप इसी वजह से न्यूटन साहब ने वो जो थियरी है जिसको उन्होंने कॉर्पस्कुलर थियरी बोला ऑफ लाइट, और जो जो लाइट है उसको उन्होंने कंसीडर किया कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स जिनको उन्होंने कॉर्पसल्स बोला, कॉर्पसल्स, ठीक है। तो अभी सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखा दूंगा। मेन चीज ये है बेटा कि दो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे वो एक रिफ्लेक्शन जो आप लिख सकते हो और एक रिफ्रैक्शन। इसमें ये था कि भाई जैसे ही मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है आपने उसको ड्रॉप किया कि तो उसमें कैसा रहता है, स्पीड चेंज होने की वजह से ये डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसको आप लिख लो पहले, फिर हम उस पर लेके जाते हैं जो प्रपोजल था न्यूटन साहब का।
पहले आप लिख लो, हेडिंग ये डाल दो बेटा, थियरी ऑफ लाइट, और उसके नीचे लिख दो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर है, हमें बोर्स मॉडल तक पहुंचना है, हमें बोर्स मॉडल तक पहुंचना है, और उसके लिए जो करीब 1700 के टाइम पर, 1704 के टाइम पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे जिनके बेसिस पे लोगों ने अपनी अपनी थियरी प्रपोज की। हो गया बेटा, डन। चलो, और रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिख लिया, रिफ्रैक्शन लिख लो, सिंपल बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ोगे फिजिक्स में, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम तो केवल ये दिखाना चाहते हैं कि भाई कौन से वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे लाइट के जिसके बेसिस पे लोगों ने अपनी अपनी थियरी प्रपोज की। तो स्टार्टिंग में जो ऑब्जर्वेशंस थे वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में अभी चीजें लिख कर रख दी हैं बेटा, जबरदस्ती हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, बाकी आगे डिटेल्स आप पढ़ेंगे सब फिजिक्स में, वो उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। चेंज कर दें बेटा, अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि ये सिंपल वे में इन्होंने बोला, देखो ऐसा है, आप एक बॉल ले लो, पार्टिकल ले लो, उसको हिट करोगे तो ऑफ कोर्स वो रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें जिनकी बेसिस पे वो सीधे लेकर पहुंच गए अपनी थियरी, कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट वॉज प्रपोज्ड बाय आइजैक न्यूटन इन 1704। इन्होंने क्या मान लिया बेटा कि लाइट इज बेट अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स, और कॉर्पसल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शंस विद फाइनाइट वेलोसिटी एंड दीज कॉर्पसल्स possess energy. These particles are perfectly elastic
है ना, बाउंस बैक वाला जो आप दिखा रहे हो. एंड द कॉर्पसल्स आर एमिटेड फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्सेस सच एज सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैंप एटसेट्रा. कॉर्पसल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. देखो आप सोचिए, मतलब भले ही हम इसको फेल्ड कह रहे हैं थियरी को, बट आप सोचिए, वी नीड टू गिव क्रेडिट टू दोज जो नया सोचते हैं. राइट रॉन्ग से मतलब नहीं होता है, हर किसी को एनकरेज करना चाहिए बेटा, हर वो इंसान को जो नया काम कर लेता है. ठीक है, रटी हुई चीजें तो सब कर लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना बोर्ड्स और जेई में डिफरेंस. तो जो बोर्ड लेवल पे मार्क्स लाना क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि वो सब रटा होता है. नया करना इज अ टफ टास्क. नया करोगे तो फेल भी होगे. जब आप नया करने जाओगे, आप मान लीजिए 10 times कोई चीज करते हो नई, तो हो सकता है 8 times, 7 times आप फेल हो जाओ. रटी हुई चीज करोगे तो आप 100 times करोगे तो 100 times पास हो जाओगे. तो ये कुछ वैसा ही है. तो हमें ये नहीं उनको निगेटिव वे में लेना है, इन्होंने इतने सारे काम किए और ऑफ कोर्स नई चीजें होंगी तो गलत भी होंगी. अब देखो एक इंटरेस्टिंग पार्ट उन्होंने प्रपोज किया कि कॉर्पसल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस. कॉर्पसल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, इसीलिए उन्होंने देखो लिखा है द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करेंगे आगे चल करके, आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ द कॉर्पसल्स. ठीक है, और फिर वो हमें कैसे ऑब्जेक्ट कोई दिखता है उसके बारे में ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है. ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं इसके, ये कॉपी करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी. अब देखो इन्होंने इसी कॉर्पसल्स थियरी के बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया. इन्होंने बोला कि देखो ये पार्टिकल्स के फॉर्म में जा रहा है, एक जो बाद में ऑफ कोर्स आज के टाइम पे वैसा नहीं है. इन्होंने एक, एक, एक इनका जो बिलीव था वो ये था कि बेसिकली यहाँ पर काइंड ऑफ यू नो रिपल्शन है बिटवीन दीज कॉर्पसल्स, दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड द सरफेस जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अ काइंड ऑफ रिपल्शन उनकी उनका जो उस टाइम पे बिलीव था. और इसी तरह से यहां पर देखो कॉर्पसल्स थियरी के बेसिस पे ही उन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्रैक्शन को. तो उसमें ऐसा था कि भाई ये जब पार्टिकल्स जो हैं, कॉर्पसल्स जो है मूव करते हैं, ये इंटरफेस है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उनका बिलीव था काइंड ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, जो इंटरफेस है वो अट्रैक्ट करता है उसको, बिकॉज ऑफ दैट ये रिफ्रैक्शन होता है. तो आज की डेट पे हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए थियरी फेल हो गई है. बट ये दो जो हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनके बेसिस पे ही ये पूरा थियरी उन्होंने प्रपोज किया था. अब आप इसको कॉपी कर लो बेटा. देखिए थियरी भले ही फेल हो गई, लेकिन अगर आप जे एडवांस की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो इस थियरी पर हो सकता है कुछ बनाकर आपको दे क्वेश्चन, इवन दो पैराग्राफ बेस्ड दे सकता है. बट वो जब बनाकर देगा तो इस जो इसमें लिखा हुआ है उसको सही मानते हुए क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा. तो हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, बाद में एग्जाम में हम उसको डील कर लेंगे वॉट एवर क्वेश्चन दे आस्क. किसने प्रपोज की थी बड़ा ये थियरी, क्रेडिट तो देना है उनको. न्यूटन साहब ने प्रपोज की थी.
रिमूव करते हैं बेटा। देखो आप चाहो तो अगर आपको डायग्राम बनाना है तो ये कॉर्पसल्स वाले डायग्राम बनाइए जिसमें दिखाते हुए ये, और एंड में ये आपको मैंने देखो लिखकर भी दिया हुआ है कि ये थियरी फेल क्यों हुई है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि न्यूटन बेसिकली ही एज्यूम दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द कॉर्पसल्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वाइल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन कॉर्पसल्स एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दस अ मीडियम कुड आइदर अट्रैक्ट और रिपेल द कॉर्पसल्स ऑफ लाइट, बट द लेटर दिस स्टेटमेंट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। जैसे आज की डेट पे आप अगर देखोगे तो जो ग्लास है ना वो पार्शली लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है रिफ्रैक्ट भी करता है। तो अब इसमें ये रहता है कि एक ही टाइम पे जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन थोड़ी ना हो जाएगा उसपे, तो ये थियरी फेल वैसी भी हो गई। एंड द थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेन ऑफ ये है वो, ठीक है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इनका डिस्कशन हम करेंगे। ये है जिसकी वजह से कई सालों तक हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो है लाइट जो है वो वेव कैरेक्टर है। अचानक से चिंटू का जो है ना जे एडवांस में सिलेक्शन हो गया, उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, तो सब ने ये मान लिया कि चिंटू जो है वो स्कॉलर है। सब भूल गए कि चिंटू फुटबॉलर भी है। जब चिंटू आईआईटी बॉम्बे पहुंचा तो उसने जो है इंटर आईआईटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तब लोगों ने रियलाइज किया कि ये तो बड़ा फुटबॉलर भी है। तब फिर आईआईटी ने उसको बोला कि ऐसा है तुम्हारे अंदर दोनों कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर राम कुमार और मिस्टर श्याम कुमार। दोनों को रिजेक्ट करते हुए बोला गया कि भाई चिंटू इज हैविंग बोथ द कैरेक्टर्स, actually it is our incapability, we are unable to define the character of Chintu, we are unable to define the character of light. हमें wave character पता है, हमें particle character पता है, तो हमने बोलना शुरू कर दिया कि भाई light तुम्हारे अंदर दो character है। अरे भाई light का अपना character है, हम जबरदस्ती उसको दो characters में, लेकिन हमारे पास कोई option नहीं है। चलो ये draw कर लिया बेटा। धन्यवाद।
ये भी हल्का सा ड्रॉ कर लो। और इसके बाद बेटा ये ड्रॉबैक ऑफ द थियरी, इसको नोट कर लो और फिर आप एक ब्रेक ले लो और फिर हम शुरू करते हैं।